हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गे. तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास टेंथ साइंस के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज तो हर एक चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उन सारे टॉपिक्स को मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज डिटेल्ड में समझाऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं अगर हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखें दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो यहां पे आप लोगों को जो है सबसे पहले बैलेंसिंग आनी चाहिए कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस सेकेंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहां पे आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट या किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आपका निकल के आता है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से हमेशा क्वेश्चन पुट अप होता है इस साल भी पूछा जाएगा अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर को देखते हैं दैट इज एसिड एंड सोल्ट तो इस चैप्टर से आप लोगों से एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है या फिर आप लोगों से जो है सॉल्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके वहां पे आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े थे तो उनकी प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल फॉर्मूले और साथ ही साथ उनकी रिएक्शंस भी पुटअप की जा सकती हैं और पीएच स्केल और इंडिकेटर्स को भी आप लोगों को पढ़ के जाना है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता रहा है अब थर्ड चैप्टर की हम लोग बात करते हैं दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल तो इस चैप्टर से ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं नेक्स्ट यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेटलर्जी वाला पोर्शन जो इस साल आपका एड हुआ है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है एक्स्ट्रेक्शन ऑफ मेटल्स किन किन स्टेप से हम लोग जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है अब हम लोग जो है केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को देख लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो यहां पे आप लोगों के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर साल सीबीएसई क्वेश्चंस को पुट अप करता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आपका होता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन डायमंड ग्रेफाइड और फोलोरिन यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है सेकेंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नॉमन क्लेचर नेमिंग्स पूछी जाती हैं आइसोमरिज्म से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथ ही साथ यहाँ पे जो नेम्ड रिएक्शन थी सेपोनीफिकेशन रिएक्शन ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये सारी रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहां पे निकल के आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से पूछे जाते रहे हैं और लास्ट में आपका जो टॉपिक है दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट का क्लीनिजिंग एक्शन तो आप लोग बोलोगे सर इस चैप्टर में तो आपने सारे टॉपिक्स बता दिए तो केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक से हर साल यहां से क्वेश्चन जर्नली सीबीएसई बी एस पुटअप करता है तो इसी वजह से मैं कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहता हूं तो देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की अब फिजिक्स का अगर हम लोग चैप्टर देखें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो देखिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में से जर्नली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पूछा जाता है या फिर आप लोगों को जो है इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सेम आपका लेंस में भी यही केस रहता है कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पे आप लोगों से न्यूमेरिकल्स को पुटअप किया जाता है हंड्रेड परसेंट हर साल आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है इमेज फॉर्मेशन का तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के स्किप नहीं कर सकते हो साथ ही साथ अगर हम लोग थ्यूरी को देखें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है साथ ही साथ आपका जो स्नेल्स लॉ है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड तो देखिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो हर साल आपका जो क्वेश्चन है ह्यूमन आई से पूछा जाता है तो ह्यूमन आई से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कलरफुल वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कलरफुल वर्ड में आप लोगों को जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के जो फिनोमेना होते हैं इनको पढ़ के जाना है यहाँ से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है सी अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोगों का जनरली जो क्वेश्चन होता है या तो ये ओम्स लॉ से पूछा जाता है या फिर जो है आप लोगों का जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जूल्स लॉ यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल यहां से क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के तो न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को लगा करके जाना है और साथ ही साथ कभी कभी जो है बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में जो डिफरेंस होता है या इसकी जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये भी पूछा जाता है तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को जो है पढ़ के जाना है अब हम लोग जो है फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो देखो इस चैप्टर से मैक्सिमम टॉपिक्स आपके स्किप कर दिए गए हैं जो टॉपिक्स इस चैप्टर में आपके बच रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ के जाना है यहां से जर्नली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया तो देखिए हम लोगों ने फिजिक्स को भी डिस्कस कर लिया और केमिस्ट्री को भी डिस्कस कर लिया अब हमारी बचती है बायोलॉजी तो देखो बायोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज लाइफ प्रोसेस अब लाइफ प्रोसेस में अगर हम लोग न्यूट्रिशन वाले पार्ट को देखें तो इसमें आप लोगों को जो है फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है नेक्स्ट आपका निकल के आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना ही पड़ना है अब रेस्पिरेशन वाले पोर्शन को देखते हैं तो रेस्पिरेशन में आप लोगों को क्या करना है जो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का ठीक है जहाँ पे हम लोगों ने तीन रिएक्शन पढ़े थे एरोबिक रेस्पिरेशन एन रेस्पिरेशन और एक हमारा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही थी वो रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है वहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पे आपका क्या आता है दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होता है उसकी प्रोसेस जो है पूरी की पूरी और जो आपका डायग्राम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट को अगर हम लोग देखें दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में देखो आप लोगों को जो है ह्यूमन हार्ट को पूरा का पूरा पढ़ लेना है हर साल यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन का पूरा का पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को पढ़ना है दैट इज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट हमारा निकल के आता है एक्सक्रीशन तो देखो एक्सक्रीशन में बेटा आप लोगों को प्लांट्स के एक्सक्रीशन को किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें है, एक्सक्रीशन होता है वो पूरा, पूरा का पूरा पढ़ना है और ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो देखो बायोलॉजी के इस चैप्टर से बहुत कम मार्क्स का आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में और यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना है अच्छे तरीके से और जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स को भी डिटेल में पढ़ना है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है तो ये तीनों चीजें अगर आप लोग पढ़ लोगे तो अगर आप लोगों की अच्छी किस्मत रही तो यहीं से जो है क्वेश्चन आ जाएगा अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन तो देखो बेटा रिप्रोडक्शन में आप लोगों को जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है साथ ही साथ जो आपका ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन है इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है इसके साथ यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल जिसमें आप लोगों को मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाया जाता है ठीक है किस तरीके से जो है हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पे जो आपके पाँच छः मेथड्स होते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है नेक्स्ट आपका आता है हेरिडिटी तो देखो बेटा एवोल्यूशन वाला पोर्शन आपका हट गया है बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेरिडिटी में आप लोगों को बेटा पूरा का पूरा हेरिडिटी पढ़ के जाना है क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी चीज़ को नहीं पढ़ा एक भी चीज़ को अगर आप लोगों ने हेरिडिटी से स्किप किया तो आप लोगों को यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो हेरिडिटी चैप्टर को आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है क्योंकि अगर आपको एलील और जीन नहीं पता होंगे तो आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को नहीं कर पाओगे अब लास्ट चैप्टर यहां पर हमारा आता है अवर इन्वॉमेंट बहुत ईजी चैप्टर है फ्री में आप लोगों को पाँच नंबर मिलते हैं यहां से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा फूड चेन और फूड वेब आप लोगों को पढ़ के ही जाना है साथ ही साथ आप लोगों को जो है ओजोन लेयर और इसकी डेपलेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है किस तरीके से हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं ये सारे मेथड्स को पढ़ के जाना है अगर आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में नो डाउट तुम लोग जो है फोल्ड करके आओगे आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉय